डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। जैसा कि आपको पता है कि हम बॉटनी पढ़ाते हैं और लगभग पूरा कोर्स करा दिया है, तो उसी क्रम में टाइम है तो रिवीजन करा देते हैं। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि पूरा सिलेबस करे बाद ही करी जाती है, तो उसी क्रम के अंदर ये शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लेग्यूमिनोसी और इसकी सब फैमिलीज़ की तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, यानी कि इस फैमिलीज़ के कैरेक्टर्स में क्या क्या तुलनाएं होती हैं, उस चीज़ का हम अध्ययन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, पहले आपने स्कूलिंग में भी इसको पढ़ा है, ये पूरा सिलेबस है जो कि हम हर क्लास में आपने देखा है कि बताते हैं कि इस तरह से 5 यूनिट रहेगी, इनमें से क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन छोटे छोटे आएंगे जो कि कंपलसरी है, 5ों में से हर यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आएंगे, बड़े क्वेश्चन आएंगे जो भी 10 आएंगे, और एक एक करना है हर यूनिट में से एक लेते हुए, वो 250 शब्दों का लिखना है, वो 5 नंबर का रहेगा। पहले क्वेश्चन 2 आधे नंबर के थे, 5 नंबर उसके हो गए, ये 5 क्वेश्चन के हो गए 25 नंबर, और 2 क्वेश्चन बड़े करने रहेंगे जो कि इन 5 यूनिट में से 4 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 2 करना है, वो 500 शब्दों का लिखने हैं, वो हर क्वेश्चन 10-10 नंबर का है, यानी कि 10 नंबर के 2 क्वेश्चन, 5 नंबर के 5 क्वेश्चन, और आधे आधे नंबर के 10 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने हैं इस पूरे सिलेबस में। तो ये इस तरह से बेंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया, उस टाइम ब्रिटिश शासन था, तो उसमें जो जो कॉमनवेल्थ की कंट्री थी, यानी कि जो जो ब्रिटिश के शासनाधीन थे, वहाँ सब जगह बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन के हिसाब से एरबेरिया अरेंज है, तो उसी क्रम में इंडिया में भी यही रहा और सिमेट्रिसी बनी रही, और आज भी हम इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं क्योंकि अरेंजमेंट इसी से रहा है हर एरिया का। तो ये इस तरह का क्लासिफिकेशन बेंथम हुकर ने दिया, और इन्होंने सीड प्लांट्स को डाइकोटलेनी, जिम्नोस्पर्म, मोनोक्लेमाइड, मोनोकोटलेनी में डिवाइड किया, देन सब फैमिली जो है, सब क्लास जो है पॉलीपिटेली, गैमोपिटेली, मोनोक्लेमाइडी में डिवाइड किया, फिर इसको सीरीज में, फिर ऑर्डर्स में, देन फिर फैमिलीज में डिवाइड इन्होंने किया। इस तरह से इनका ये क्लासिफिकेशन था, और उसी क्रम में जब हम देखते हैं तो ये इस तरह से यहाँ पर ये फैमिली लेग्यूमिनोसी रहा, और इसकी फिर ये सब फैमिली इस जगह पर आएगी। ये इस तरह से इसके प्लांट है बोहिनिया सिसलपिनोइडी, जो अपने कैंपस में भी है, और अभी उस पर कलर्ड प्लेटें भी लगी हुई है, और कॉलेज के वेब पेज पे भी डिजिटल फ्लोरा में भी इसका आपको वर्णन या फोटो मिलेगा, बोहिनिया सिसलपिनोइडी। इस तरह से ये केशिया है, इसी तरह से अकेशिया नीलोटिका जो आपने बचपन में देखा होगा, कई बार कांटे भी इसके आपके चुभे होंगे, ये मिमोसोइडी में आता है, ये भी मिमोसोइडी का है, मिमोसा पोइटिका छुई हुई, जैसे इसके बच्चों पत्नियों को छूते हैं तो ये पास पास आ जाती हैं, ये भी यहाँ कॉलेज में ग्रो कर रहा है। ये पाइसम सेट है, मटर का सीज़न है बच्चों, मटर आप खाते भी हैं, उसके फ्लावर भी देखें और उससे कोरिलेट करके देखें, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। इस तरह से मटर के फ्लावर हैं, ये मटर हैं जो कि अभी मार्केट में आती है, इसका हम सीड स्ट्रक्चर की जब अध्ययन करेंगे तब इसी मटर का करते हैं। इस तरह से ये क्लासिफिकेशन रहा लेग्यूमिनोसी का। इस लेग्यूमिनोसी फैमिली को ट्रेडिशनली 3 सब फैमिली में डिवाइड करा जाता है, मिमोसोइडी, सिसलपिनोइडी और पेपिलियोनोइडी। मिमोसोइडी क्या कैरेक्टर है, फ्लावर्स एक्टिनोमॉर्फिक है, सेपल्स और पेटल्स मोस्टली वेलवेट प्रकार के, जबकि इस सिसलपिनोइडी में फ्लावर्स मीडियनली जाइगोमॉर्फिक है, पेपिलियोनोइडी में भी यही है, सेपल्स इम्ब्रिकेट और वेलवेट और पेटल्स इम्ब्रिकेट है। अगर पेटल्स एसेंडिंग है इम्ब्रिकेट,
तो सिसेल्पिनोइडी में, और पेटल्स अगर डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट है तो इसको पेपिलियोनिटीज में रखा जाता है। बेसिक डिफरेंस इन तीनों में यह है। अगर हम टेबुलर फॉर्म में देखें बच्चे, बहुत ही अच्छी टेबल है, तो इसमें और ज़्यादा आपके आसानी से समझ आएगा। पेपिलियोनिडी में अधिकतर शाख हैं या आरोही है या कुशुप है, जबकि सिसेल्पिनोइडी में देखें तो शुभ है और कुछ शाख या वृक्ष है। इसमें भी यही स्थिति मिमोसाइटी में भी है। रूट्स को लें तो पेपिलियोनेटी में मूसला मोनता तो और ग्रंथिल जले नोडुलेटेड रूट्स पाई जाती है। इन दोनों में ही नहीं है, ध्यान रखें, यहाँ केवल मूसला जड़तंत्री है। लीफ को लें तो कंपाउंड और यूनिपिन्नेट है, इम्पेरिपिन्नेट है, यहाँ पर है संयुक्त या एक या दो पिच्चों को समपिच्चाकारी है, और यह संयुक्त द्विपिच्चे की बाईपिन्नेट है। पुष्पक्रम कर लें तो यह रेसिमोस प्रकार का पेपिलियोनिटी में पाया जाता है, जबकि यहाँ पर रेसिमोस या पेनिकल भी देखा गया है, और इसमें साइमोस हेड स्पाइक प्रकार का यहाँ पर पाया गया। फ्लावर को लें पेपिलियोनिटी, ये जाइगोमॉर्फिक है, और ये वाला जो फ्लावर है ये स्लाइटली जाइगोमॉर्फिक है इसमें सिसेल्पिनोइडी में, और इसमें एक्टिनोमॉर्फिक है, तो क्लियर कट डिफरेंस आप यहाँ देख सकते हैं। इसी तरह से कैलिक्स को लें तो बाह्य दल इसमें पाँच है, संयुक्त है, विषम बाह्य दल ही अग्र वाला, इधर बाह्य दल पाँच हैं, पृथक विषम बाह्य दल ही है, इधर चार या पाँच बाह्य दल ही, संयुक्त बाह्य दल ही, विषम बाह्य दल पोस्टीरियर है। कोरोला को लें तो दल पाँच हैं इसमें, पृथक है, पेपिलोरेसी विन्यास अवरोही कोरछादी या वेटिसिलेटस, इधर हैं तो दल पाँच हैं पेप्सिसेल्पिनोइडी में, पृथक पृथक दलीय विन्यास आरोही कोरछादी, इधर दल चार ही हैं या पाँच भी हैं, संयुक्त विन्यास है कोर स्पर्शी है। पेपिलियोनिटी में पुंकेसर 10 है, डाइडेल्फस है, इधर अंडाशय एक अंडेपी, अंडाशय ऊर्ध्वर्ती एक कोष्ठ की सीमांत बीजान्यास है। यहाँ पर है सिसेल्पिनोइडी में तो पुंकेसर 10 है, पाँच और पाँच के दो चक्रों में, इधर पुंकेसर असंख्य हैं, पृथक हैं, पुंकेसरी अनेक चक्रों में है। इसमें वाले में एक अंडेपी अंडाशय अर्धवर्ती एक कोष्ठ की और सीमांत बीजान्यास है। इधर फल लेग्यूम प्रकार का है, नाम से ही पता चल रहा है लेग्यूम प्रकार का, इधर लंबाश्यम लेग्यूम प्रकार का, यहाँ लोमेंटम प्रकार का फल कहा जाता है। पुष्प सूत्र, इसमें बच्चों वेरिएशन से आपको देखने को मिल जाएगी कई चीज़ें, जैसे ब्रैक्टिएट है, इक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल, के फाइव को जोड़ दिया आपने, ये सी वन प्लस टू प्लस टू और ये टू जुड़े हुए, यहाँ पर देखिए इस तरह से नहीं है, सी पाँच है और यहाँ ये इन्फिनिट है, अनंत है, एंड्रोशियम जो हमने बताया है, ये इस तरह की इसमें स्थितियाँ हैं इनके कंपेरिजन में। अगर वैसे देखें सिस्टमेटिक पोजीशन इनकी तो ये बता सकते हैं कि किंगडम प्लांटी है, डिवीज़न फैनरोगेमिया है, सब डिवीज़न एंजियोस्पर्मी है, क्लास डाइकोटलिडनी, सब क्लास पॉलीपिटेली, सीरीज कैलिसिफ्लोरी, ऑर्डर रोजेल्स है। याद रखें बच्चों, कई बार एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन के हिसाब से पूछ लेते हैं कि कौन से ऑर्डर में लेग्यूमिनोसी फैमिली आती है, तो ऑर्डर जो है यहाँ पर वह रोजेल्स है। सब फैमिली ही यहाँ तीन हैं, पेपिलियोनेडी, सिसेल्पिनोइडी और माइमोसाइडी। यही कैरेक्टर जो हमने बताया वापस इसको ले सकते हैं भले हम, तो इस तरह से तो इसका पुष्प सूत्र रहेगा, और ये इसकी जल ग्रंथियों द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है पेपिलियोनेटी में। पत्तियाँ सामान्यतः संयुक्त पिच की है, पुष्प एक व्यास सममित है, दल पुंज पेपिलियोनेसियस या अवरोही कोरछादी कहलाता है, पुंकेसर 10 वन प्लस नाइन है, एक द्विसंगी है, अंडप एक अंडाशय ऊर्ध्वर्ती और सीमांत बीजांडन्यास है, फल शिम्ब प्रकार का है। तो ऐसे अगर हिंदी में देखें तो इसको ऐसे लक्षण हम देख सकते हैं। वही सिसेल्पिनोइडी में देखें
ये आ गए वृक्ष शुपिया शाख है, संयुक्त पिच्छे की पर्णे, पर्णाधार पल्विनस प्रकार का, पुष्प एक व्यास समेत, बाह्य दल पेपिलियोनेसियस नहीं होते हैं, पश्च दल सबसे भीतर होता है, दल पुंज पृथक विषम दल अग्र स्थित है, पुंकेसर 10 है, पृथक पांच पांच के दो चक्रों में स्टेराइल पुंकेसर उपस्थित होता है, अंडाशय एक अंडपी और ऊर्ध्ववर्ती है, ये कैरेक्टर है। इसी तरह से अगर माइमोसाइटी जैसा कि हमने बताया था छुई हुई वाला पौधा, उसमें देख सकते हैं ये गाइनेशियम 1 खुला हुआ है, सुपीरियर ओवेरी है, इनफाइनेट एंथर है, कोरोला इस तरह से है, कैलिक्स ये है, ये बाइसेक्सुअल है। पादप मुख्य रूप से वृक्ष या शूट है, पत्तियां सामान्यतः संयुक्त पिच्छे की, पर्णाधार फूला हुआ, पुष्प त्रिज्या सममित, दल पेपिलियोने से नहीं होकर कोर स्पर्श विन्यास है, बाह्य दल संयुक्त है, विषम बाह्य दल अग्र में स्थित, पुंकेसर 4 असंख्य, पृथक या संलग्न, कुतंतु प्राय लंबे बाहर निकले हुए व दिखावटी, अंडाशय ऊर्ध्वर्ती, फलशिंब या लोमेंटम प्रकार का है इसके अंदर। तो इस तरह से बच्चों ये फैमिलीज का है इसका। अगर हम जनरल कैरेक्टर फॉर्म में लें तो वो इस तरह से है, पूरी फैमिली को लें तो लार्ज फैमिली है जिसमें लगभग 600 जेनेरा, 13,000 से ज़्यादा स्पेसीज है, कॉस्मोपोलिटन है यानी कि सब जगह पाई जाती है, कुछ मेंबर्स ट्रॉपिकल में कॉमन है और कुछ सब ट्रॉपिकल एरिया में, टेम्परेट रीजन में भी ये देखी गई है। दे आर फाउंड इन ऑल काइंड ऑफ हैबिटेट, मैनी रिप्रेजेंटेटिव इन द कंट्री, इन इंडिया दिस फैमिली रिप्रेजेंटेड बाई अराउंड 150 जेनेरा, भारत में लगभग 150 जेनेरा पाई जाती है, 900 से ज़्यादा प्रजातियाँ इसकी पाई जाती है, मैनी ऑफ दीज आर ग्रेट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, दीज प्लांट यूज एज द फूड फोडर, चारे में भी काम में आती है, खाने में भी काम, जैसे मटर भी आप खाते हैं और बाकी लेग्यूमिनस का चारा भी है, एंड फॉर द फैटी ऑयल्स भी, ऑयल्स भी इससे मिलता है, डाइज भी है, टिम्बर भी है और ऑर्नामेंटल फॉर्म में भी ये ग्रो करे जाते हैं। ये इस तरह से हमने बताया था बच्चे कि ऐसे यहाँ पर तीन में डिवाइड हुआ, फिर इस आधार पे इसको रिक्लासीफाई करके सब कुल में, उप कुल जिसको कहेंगे हम, उसमें इस कैरेक्टर के आधार पर, जैसे मिमोसाइडी में एस्टिवेशन वेलवेट है, इनमें इम्ब्रिकेट है, इनमें डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट है, इस आधार पर इसको ये की बनाना भी हम बताएंगे। तो इस तरह से इसको रिक्लासीफाई मतलब सब क्लासीफाई करा गया, ये इस तरह से आपको बनाना है। कई बार क्वेश्चन आता है तो फ्लोरल डायग्राम भी बनाना है, ट्विग भी बनानी है और ऐसे LS फ्लावर वगैरह ये बताना, और TS ओवरी ये याद रखने की चीज़ है बच्चों। ये पाइसम का जो कि आपने स्कूलिंग में ही बनाया होगा 11th 12th में, और फिर ये कॉलेज में भी इम्पोर्टेंट प्लांट है, तो ऐसे ट्विग बनानी है, ये फल दिखता हुआ ऐसे फ्लावर इसी शेप में बनाना है बच्चे, ध्यान रखें, और ऐसे लीफ टेंडिल भी बताएंगे तो उससे दिख जाएगा कि भाई ये मटर का ही ट्विग है। ये गाइनेशियम आ गए, पेटल्स आ गए, पैलेस फ्लावर आ गए, ये फ्लोरल डायग्राम आ गया, और ये इसे ओपन फोल्ड भी इसमें बनाएंगे, खुली भी फली भी। ये रेफरेंस बुक्स हैं बच्चों जो कि आपको हायर क्लासेस में देखनी रहेगी, डेविस हेवुड की MSc में पढ़ी जाती है, प्रिंसिपल ऑफ एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी, AK मॉडल की है एडवांस प्लांट टैक्सोनॉमी, न्यू सेंट्रल बुक एजेंसी से निकलती है। ये पब्लिशर का नाम भी बच्चों ध्यान रखें, क्योंकि कई बार अगर आप इंटरव्यू वगैरह देने जाएंगे तो उस जगह पब्लिशर का नाम भी पूछा लिया जाता है, ये प्रूव करने के लिए कि क्या आपने वास्तव में किताब पढ़ी है क्या। तो इसलिए इन पब्लिशर्स का नाम अगर अभी से पढ़ने की आदत डालेंगे तो आगे दिक्कत नहीं रहेगी। इस तरह जी सिंह का है प्लांट सिस्टमेटिक्स थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ऑक्सफोर्ड एंड IBH पब्लिशिंग से निकलती है, न्यू दिल्ली से। त्यागी क्षेत्रपाल है 95 की पब्लिश्ड है, एन इंट्रोडक्शन टू टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, पब्लिशिंग इसकी रमेश बुक डिपो, ये तो याद रह जाएगा। इस तरह VN नायक की है टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, टाटा मैग्रा हिल से निकलती है, नई दिल्ली से। तो ऐसे बच्चों पब्लिशर समेत अगर बुक का नाम याद रखेंगे
तो वह ज़्यादा अच्छी प्रक्रिया आपके लिए लॉन्ग टर्म में रहेगी। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है ऑर्डर का, कई सारी एजेंसी जो उसमें हैं, फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है या और भी हैं, तो उससे आप देख के सीधी ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप बुक का फ़ोटो भी देखें, कोशिश करी गई है रेफरेंस इस तरह की बताने की कि जैसे बुक ऐसे रहेगी, ओपी शर्मा की यानी सुब्रमण्यम वाली बुक ऐसे ही दिखती है, ये ऐसे, ये टेक्स ऑफ एंजियोस्पर्म बी के वर्मा की है, 25 साल से ऐसी रहेगी, इसी तरह से गुरुचरण सिंह की प्लांट सिस्टमेटिक्स ऐसी है। तो आप इसको देख के भी अंदाज लगा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। लाइब्रेरी में भी जाएँ तो ऐसे ढूंढना आसान है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी है बच्चों, उसका पूरा यूज लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो आपके कंपिटिटर बच्चे हैं वो इसको पढ़ रहे हैं, ये सोचते हुए आप भी आपको और बेहतर मन है। थैंक यू।